सुदामा चरित पृष्ठ संख्या 68। प्रश्न अभ्यास कविता से नंबर एक, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। नंबर दो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। नंबर तीन, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे कै उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। खै, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। गै, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उत्तर, कै, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। खै, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। गै, इस उपालंब के पीछे एक पुरानी कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। पृष्ठ संख्या 69। नंबर चार, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वह कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण के आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था। वह कृष्ण के व्यवहार से खिंच रहे थे क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वह तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। नंबर पाँच, अपने गाँव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। नंबर छः, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता का अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में स्पष्ट लिखिए। उत्तर, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहां अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध हैं, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। अनुमान और कल्पना। नंबर दो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसोटी दे कसे तेई सांचे मीत।
इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारे विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता करने में काफ़ी समानता है। भाषा की बात। नंबर एक, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। उत्तर, के वह टूटी सी छानी हाथी, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है।